देखिए मैं YouTube पर आया था साल 2012-13 को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। तो साल 2012-13 में मैं आया था, और मैं YouTube इसलिए नहीं आया था क्योंकि तब ना इतना कोई एजुकेशन का नाम भी नहीं था, तब सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियो चलती थी। YouTube का नाम था लेकिन एजुकेशन का नाम नहीं था, ठीक है, और एंटरटेनमेंट की वीडियो चलती थी, उसके अंदर एजुकेशन की कुछ खास वीडियो चलती भी नहीं थी। और स्पेशली मैं क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं रामानुजन को पढ़ रहा था, और रामानुजन को पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ उनका एक हैक मिल गया, उनकी बर्थ डेट का हैक मिल गया। मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बनाते हैं, और वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि मैं उसको सेव करके रखूँ, मुझे कभी जरूरत पड़े ना वापस देखना है तो मैं देख सकूँ। और इन दैट केस स्पेशली मैंने YouTube का चैनल क्यों शुरू किया, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को स्टोर कर सकूँ, और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन आज के बच्चे पैसा कमाने की पहली थॉट प्रोसेस यही होती है, मैं पैसा कमाने गए। मैं आपको पहली सोच बदलने को बोल रहा हूँ, आप YouTube पे ये सोच के मत आओ कि बहुत पैसा मैं पैसा कमाऊंगा। आप YouTube पे ये सोच के आओ कि मेरे पास एक कला है, मेरे पास एक आर्ट है, उसको पहचानो। ये आर्ट मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं जानता हूँ उसके बदले अगर चार लोग भी उससे मुझे देखकर सीख रहे हैं ना, तो शायद मुझे फायदा हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, क्योंकि मैं थॉट प्रोसेस से नहीं आया था YouTube पे। क्योंकि जब आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हो तो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वो चीज़ मिलती नहीं है। आप ध्यान रखो, पैसा इज ऑलवेज लाइक दी यू नो सेकेंडरी थिंग, आउटकम जो अपने आप आता है जब आप अपने आप पे बिलीव रखते हो। अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं रखते हो तो पैसा नहीं आता। पहली चीज़ तो ये, अपना सोच बदल लो, सिर्फ पैसे के चक्कर में मत आओ YouTube।